जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर लाइव विद द सेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर इमर्जिंग साइंसेज सीनियर फैसलाबाद कैंपस। आज हमारे साथ यू कैन सी हमारे साथ आज डायरेक्टर ऑफ द कैंपस मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी बैठी हुई है और हमारे साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी से हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और इसके अलावा प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज इस सेशन के अंदर हमारा मकसद ये है कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में बताया जाए जो कि हमारे कैंपस के अंदर है, और इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन और क्यूरीज हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो उनका जवाब आपको दिया जाए। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनसे तारुफ लिया जाए। So starting from Dr. Aftab Maroof and then others, please. जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद मारूफ है। मैं फास से मुंसलिक हूँ गुज़श्ता 20 साल से ज़्यादा अरसे से, और ये दूसरा कैंपस है जो कि मुझे एजाज है, मैंने बनाया 2012 में। हमने इसको कंस्ट्रक्शन वगैरह की और क्लासेस शुरू हुई सितंबर 2012 में, और माशाल्लाह उस वक्त से लेकर अब तक रेगुलरली सारे एडमिशन्स हो रहे हैं। इस वक्त जो है मौजूदा टाइम पर कैंपस के अंदर तकरीबन जो है वो 1700+ स्टूडेंट्स हैं, और हमारे पास जो फैकल्टी और एम्प्लॉइज हैं कैंपस में वो तकरीबन 225 के करीब हैं। एक भरपूर किस्म के ऑर्गेनाइजेशन है। ये फास का 5वां कैंपस है। पहला कराची में था, फिर लाहौर, इस्लामाबाद, चौथा पेशावर में था, तो ये 5वां कैंपस है उसका, फास्ट फाउंडेशन का। ब्रीफली बता दूं कि फास जो है ना वो एक फाउंडेशन है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जिन लोगों ने इसको बनाया था पाकिस्तान की खिदमत के लिए वो सारे अल्लाह को प्यारे हो चुके, और अब उनकी जगह पर एक 15 अफराद का जो कि बड़े नामी ग्रामी लोग हैं, जो कि अचीवमेंट वाले जिंदगी में लोग हैं, वो इसको इसको लुक आफ्टर करते हैं फी सबीलिल्लाह। वो इसकी उनकी कोई सैलरी नहीं लेते। सेनेटर वसीम सजाद उसके हेड हैं, तो आप अंदाजा लगाएं। डॉक्टर समर मुबारक मंद और डॉक्टर अमीर मोहम्मद और इस तरह के जजेज और जस्टिसेज इसमें हैं जो कि इसको लुक आफ्टर करते हैं, और इस की जो भी रिसीट्स हैं वो किसी की जेब में नहीं जाती। इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, और जो ऐसे बच्चे जो लायक जिनका यहाँ दाखला होता है, दाखला मेरिट पे होता है, कोई कोटा या कोई स्पेशल सीट्स नहीं है, और वो यहाँ पर उनका एडमिशन होता है, तो जिनकी फैमिली की माली हालत मुनासिब नहीं होती एज़ पर नीड, फास्ट उनकी फीस का कुछ हिस्से का बोझ फास्ट उठा लेता है जो कि कर्जे हंसना होता है, और बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में वो अदा करते हैं। और बजाते खुद ये जो हमारा कैंपस है चिन्यौट फैसलाबाद में, ये दो शहर जो हैं फैसलाबाद चिन्यौट इनके दरमियान वाकया है। मोटरवे का जो एग्जिट है वहाँ से हम तकरीबन 5 मील के फासले पर हैं, और जो है ये सारा बड़ा खुला कैंपस है। 22 एकड़ पर करंटली ये मुहित है, और इसमें बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट नई बिल्डिंग्स हैं खूबसूरत, आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट लैब हर चीज़ जो है वो बिल्कुल नई है और खूबसूरत है, और हम कैंपस की मेंटेनेंस वगैरह भी सारा कुछ करते हैं। शहर से हमारा 14 बसेस का एक फ्लीट है जो कि शहर से फैसलाबाद से और चिन्यौट से भी एक बस चलती है जो के बच्चों को लेके आते हैं, और वो यहाँ पर सुबह आते हैं और शाम में 5 बजे के करीब फिर बसें, दिन में भी एक जाती हैं 2-3 बसें और शाम को वो वापस ड्रॉप करती हैं। शहर के आलमोस्ट सभी कॉर्नर से हम बच्चों को ये बसें उठा के लाती हैं कैंपस। बहुत से बच्चे खुद अपने ट्रांसपोर्ट पर भी आते हैं। तो बहरहाल ये मुख्तसर सा तारुफ है कि इन गुज़श्ता 8 सालों में हमारे कैंपस का जो इस साल जो बैच ग्रेजुएट कर रहा है अंडर ग्रेजुएट का भी और मास्टर्स का भी, वो 5th बैच है।
डबल ई का जो है वो चौथा बैच होगा, और वो डॉक्टर साहब करेक्ट करेंगे अगर मेरी गिनती सही नहीं है तो। लेकिन मुझे मालूम है कि बीबीए और कंप्यूटर साइंस जहाँ से हमने शुरू किया था, इस साल उनका और एमएस कंप्यूटर साइंस का भी पांचवा बैच जो है वो ग्रेजुएट कर रहा है। तो इंशाल्लाह हमारी प्रेजेंस एलुमिनाई की पूरी इंडस्ट्री में है। हमारे यहाँ जो है वो इलेक्ट्रिकल के भी बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, बीबीए के भी और कंप्यूटर साइंस के भी। तो हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चार हैं, जिसमें के बीएस कंप्यूटर साइंस है, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और बीबीए है। और इन सभी में दाखिले जो हैं वो इस दफ़े हो रहे हैं और दाखिले शुरू हैं, आप ऑनलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ओवर टू मिस्टर वकार, बाकी को बात होगी तो बाद में मैं फिर आंसर करूँगा। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मारूफ साहब, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और ओवरऑल बड़े बेहतरीन तरीके से आपने कैंपस के बारे में बताया। बिल्कुल जी, ये कैंपस जैसा कि उन्होंने बताया कि चन्योट और फैसाबाद के बीच में वाकई, और जो आसपास के इलाके हैं सरगोधा वगैरह, इनसे बड़ा करीब है। मतलब अगर आप आसपास के इलाकों तो आपको तो ये कैंपस बड़ी बेहतरीन लोकेशन पर है कि आप यहाँ एडमिशन ले सकें। इसके बाद मैं जाना चाहूँगा फर्दर डिले के बाद के भी डॉक्टर गुफरान खान से, जो कि हेड हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, कि वो थोड़ा सा डिपार्टमेंट के बारे में बताएं और अपना इंट्रोडक्शन भी साथ साथ दें। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर मोहम्मद गुफरान। आई डिड माय पीएचडी फ्रॉम स्वीडन इन 2011 इन द एरिया ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशंस एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। After that, I also worked at Volvo Car Corporation in Sweden for embedded systems. After working at Volvo, I decided to come back in 2013 and joined FAST National University Chinnewad Faisalabad campus. So we started the electrical engineering program in 2014. So since then I am attached with this department, so I have also served as the first head of this department, and currently I am also heading the department. So we have established a very good infrastructure here, especially I want to mention the labs of electrical engineering department are state of the art, and it is in this region we can say that we have the best infrastructure. Moreover, we have got the accreditation by Pakistan Engineering Council. Recently, we got the level 2 accreditation, which is called Washington Accord. It is an international accreditation which enables our engineers to find jobs around the world. So this is a big achievement, and we have got this accreditation for our current batch and also for the next batch. Moreover, our faculty is foreign qualified and very competent. So these are the two strengths which is very important for any engineering program: a good infrastructure and a highly qualified faculty. Then our program is accredited. Moreover, we have very strong industry academia collaboration. We have industrial partnerships, and we take our students for industrial trips. We also arrange industrial internships for our students. So this is these are the some of the good features of our electrical engineering program. So this was mainly for BS electrical engineering. And for MS Electrical Engineering program, our program is based on research. We also give the option of the MS by coursework from this year. So far, the difference between this MS by research is that students need to do a thesis work. And for the MS by coursework, the students need to do two extra courses if they don't want to opt MS by research. So this is a bit of introduction of the department. So if there are more questions, I will answer. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर गुफरान। जैसा कि डॉक्टर गुफरान ने बताया कि डिपार्टमेंट हमारा बहुत एनफ एंड वाइड रिसोर्सेज हैं। वी हैव ऑलमोस्ट 17 लैब्स इन आवर डिपार्टमेंट, जो कि दे आर सो मैनी लैब्स।
और इसके अलावा ये PEC से एक्रीडेटेड है और वो भी लेवल टू. वी हैव जस्ट गॉट द एक्रीडेशन फॉर ऑल 2 years डायरेक्टली, नॉट वन इंस्टेड वी हैव 2 years एक्रीडेशन एंड देन इसके बाद फर्दर विजिट्स होते हैं और इस तरह PEC बाई ईयरली या इसको एक्रीडेट करती है. और जैसे कि उन्होंने और भी बताया कि वी हैव फैकल्टी फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम एकम्प्लिश फैकल्टी फ्रॉम अब्रॉड एंड आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान. तो आगे चलते हैं हम डॉक्टर आदित्य जुल्फिकार की तरफ. काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं. और ही हैज रिसेंटली जॉइंड अस एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन आवर डिपार्टमेंट. जी डॉक्टर आदित्य जुल्फिकार. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू वकार साहब फॉर गिविंग मी टाइम. My name is Dr. Adil Zulfikar. I just recently joined FAS as assistant professor. I did my PhD from City University of Hong Kong. And after PhD, I completed my postdoctorate from the Chinese University of Hong Kong in the biomedical engineering department. My research was related to basically control system theory and soft robotics modeling and their control part. So I just joined FAST University in this semester, like starting of this year. So I don't have enough experience with FAST, but I'm really happy to be part of this very beautiful and energetic faculty in FAST. So I hope I will work with them a very long time. So if you have any question relating how to get admission in foreign universities after graduation, or if you have any question relating to how to pursue for a research abroad and how to contact a professor, I will be happy to answer your question. Thank you very much, Dr. Vakar Bek sir. Thank you so much, Dr. Adil, for the introduction. And moving to next, Dr. Shoaib Ali, who is a very experienced teacher, or his He's a very experienced teacher and he's teaching in electrical engineering in many universities before. And main chahunga ki wo apna introduction karwaye aur kuch details bataye. He's also leading the power electrical power group in our university in electrical engineering department. Ji Dr. Shifal. I think in mic mute Dr. Shifal, please. Okay, thank you, Okar. I am Dr. Mohammad Shoaib Khalid, and I did my postdoc and PhD from Kwa Chung University of Science and Technology, China. Before that, I accomplished a master's in electrical engineering from South Korea on HEC scholarship. And before that, I completed the engineering in electronic engineering from NED University of Science and Technology, Karachi. I joined the teaching field in 2005, and it is about 15 years I am teaching electrical engineering, various subjects I have taught. And my area of specialization is electrical power engineering. And my research area is on the renewable energy, in which the emphasis on the solar, on the wind, on the fuel cell, and the integration of these sources. Actually, the students who are graduating from the A levels or the O level or the FSC are just wondering that what they have to select. They must know that what are the possibilities, like in the power area. The active players of Pakistan is the Alternative Energy Board. It's Pakistan Council for Renewable Energy Technologies, the CPEC of Pakistan. Like, I would like to share that recently there are two projects that are very hot in that area. One is the $400 million project with the Korea, South Korea, and it is in the field of the solar PV. And other is the 70 million rupees project with the Germany. So, as far as power engineering is concerned,
you must be well in mathematics, physics, so, and moreover, when you join the power field, you have to select the specialization courses from the fifth semester. Distribution and utilization, transmission systems, and power generation, renewable energy system are the key subjects of the power field. For the master students, we have all the facilities regarding the research. We have the graduate lab for the projects, for the funded projects. Moreover, we have all the facilities regarding the digital libraries, and we are working on the funded projects right now. So thank you, Vakar. This is all from my side. And if you have any questions or the students have questions, you're welcome. Yeah, thank you so much, Dr. Shoaib Khalid, for this introduction. Now I move to Dr. Aslam Ahmed Amin, who is a very accomplished industrial professor. He will tell you about himself and also some introduction of his work at Electrical Engineering Department. Thank you so much. So thank you very much. My name is Dr. Aslam Ahmed Amin. I recently completed my PhD from UT Lahore, and my area is control systems, basically fault tolerant control. I did my MSc and BSc also from the UT Lahore, and I was also selected for the PhD Fulbright USA scholarship 2017. And I possess more than around 10 years of experience, in which 3 years are teaching experience and 7 years are PPL experience, Pakistan Petroleum Limited. It's a very prestigious oil and gas company, and I had the experience of DCS automation, PLCs, power distribution and control. All that highly demandable skills I have worked on these, hands-on on this system. And there are a lot of opportunities because my area is control system, so, and I would like to elaborate the opportunities on control systems. There are a lot of opportunities in automation like DCS, SCADA systems, PLCs, controllers, process control. Basically, a control engineer can work in any domain. He can work in power domain, he can work in chemical process domain, he can work in other control engineer is basically the center of various specializations. So a control engineering it has very much scope in the electrical engineering domain. So thank you for expressing myself. थैंक यू सो मच डॉक्टर इस्लाम अहमद अमीन. मैं इसी तरह बात को आगे बढ़ाते हुए करना चाहूँगा, डॉक्टर गुफरान से पूछना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज अ मेजर फील्ड, तो कौन सी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रीम्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफर करता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? जी ओके जी, एक्चुअली हमारा जो बी एस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है ये 4 ईयर डिग्री है, जिसमें फर्स्ट 2 ईयर्स सारी जो भी स्ट्रीम्स हैं स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम्स वो इकट्ठे सारे सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. फ्रॉम द थर्ड ईयर देर आर 4 ऑप्शंस जिसको हम स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम्स कहते हैं. अच्छा, पहले 2 साल के नॉलेज की बेस पे, इंटरेस्ट की बेस पे स्टूडेंट्स जो हैं वो चॉइस करते हैं कि वो किस एरिया में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं. उसमें फिर हम उनको जो 4 ऑप्शंस देते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, पावर इंजीनियरिंग एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. सो हमारे पास ये 4ों स्पेशलाइजेशन हैं, इनकी फैकल्टी मौजूद है. सो डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सो वी ऑफर द इलेक्टिव कोर्सेज इन दीज स्ट्रीम्स. सो इन द लास्ट 2 ईयर्स सो स्टूडेंट स्पेशलाइज कोर्सेज पढ़ते हैं, 6 इलेक्टिव कोर्सेज एक स्ट्रीम के अंदर. तो उसी तरह फिर वो आगे अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम में ही करते हैं. तो इस तरह से स्टूडेंट जो है उनके पास ऑप्शन मौजूद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन वन ऑफ दीज फील्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. जी थैंक यू सो मच डॉक्टर गुफरान. बिल्कुल जी, हमारे पास ये 4 स्ट्रीम्स मौजूद हैं. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज अ बिग फील्ड और उसके अंडर आप
आपके पास चॉइस होती है कि आप इनमें से किसी भी चार फील्ड में से आप अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड इज़ नॉट जस्ट अ स्पेसिफिक फील्ड, ये बहुत ज़्यादा एरिया को एनकम्पस करती है, और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद यू हैव चॉइस टू ज्वाइन मैनी ऑप्शन ऑफ द जॉब एज अ कैरियर, जिसके अंदर आप जानते हैं कि कई हैं, इसके बारे में हम पूछेंगे। हम सबसे पहले जो इस फील्ड से रेलिवेंट है खासतौर पे पावर इंजीनियरिंग से, डॉक्टर शुएब खालिद से, कि अगर वो इसके बारे में कुछ बताना चाहें कि अगर स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग तो क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं जॉब की। एक्चुअली एज फॉर एज पावर इंजीनियरिंग इज कंसर्न, हमारा जितना भी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है that is based on different companies, starting from the generation companies, transmission companies, and the distribution companies. So one thing is that we have to know that the companies, like not a single company, it has multiple stakeholders. Of course, as far as opportunities are concerned, the companies are in operation. लाइक जनरेशन कंपनी जनरेटिंग प्लांट्स में डिफरेंट किस्म के हैं, जिसमें हम हाइड्रो हाइडल न्यूक्लियर, इसके अलावा फर्नस, और इसके अलावा जो है सोलर विंड, डिफरेंट किस्म की जनरेशन जो है वो कैपेसिटीज जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। पाकिस्तान की जो इस टाइम डिमांड है वो दैट इज अबाउट 25,000 मेगावाट्स, और इसमें जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज अबाउट 40,000 मेगावाट्स। तो इसमें अगर बात की जाए तो देर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द जनरेशन एक्सपेंशन। वन थिंग एज वी गो फॉर द जनरेशन एक्सपेंशन, वाई द जनरेशन एक्सपेंशन, बिकॉज के हमारे पास डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है डे बाई डे, जो है वो हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है बढ़ रही है, डिफरेंट किस्म के इंडस्ट्रियल डोमेन्स जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। लेट्स के अगर मैं फैसलाबाद में लूँ तो इस टाइम हमारे पास फैसलाबाद खुद एक इंडस्ट्रियल सिटी है, दो नए इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं वो भी फैसलाबाद में, एक ऑलरेडी जो है वो डिप्लॉयड है और एक जो है वो अनाउंसड है। तो जो जो हमारे पास डिमांड बढ़ रही है उस तरह से हमारे पास जनरेशन कैपेसिटी जो है उसको हमें अकोमोडेट करने के लिए ज़्यादा प्लांट्स की ज़रूरत पड़ रही है। सिमिलरली जो है ट्रांसमिशन कैपेसिटीज जो है वो बढ़ानी पड़ रही है। लिहाजा लाइक कंपनीज आर एक्सपेंडिंग, इट इज़ नॉट अ सिंगल कंपनी, इट हैज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कंपनीज लाइक जेनकोस, ट्रांसकोस, डिस्कोस। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज इस हवाले से हैं। सेकेंडली ये है कि इसमें जो फैब्रिकेशन है खासतौर पे जो इसकी कंपोनेंट्स की, वो पाकिस्तान में समझें कि 60-70% जो है वो फैब्रिकेशन पाकिस्तान में होती है। अगर हम बात करें ट्रांसमिशन ग्रिड्स की बात करें, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड्स की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप की बात करें, वहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो जो ग्रेजुएट्स हैं वो जॉब कर सकते हैं। मोर ओवर लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक व्हेन दिस सेंचुरी स्टार्ट्स, इसमें हुआ क्या कि ब्रिटिश जो थे उन्होंने ये कहा कि जॉब क्रिएशन के लिए हमें किस साइट पे जो है वो जाने की जरूरत है। तो यूके में जो है वो स्मार्ट ग्रिड्स को जो है वो रिसर्च करना शुरू किया, जो कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन है और इस टाइम जो है वो सिस्टम डिप्लॉयड है। हमारा सिस्टम जो है वो ग्रिड स्मार्ट होने की तरफ जा रहा है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो स्मार्ट होने की तरफ जा रहा है। तो लिहाजा अगर देखा जाए आप जो एक ट्रांजिशन चेंज है, जो कि हमें फर्ज करें आईटी टेक्नोलॉजीज ने, हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स ने, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स ने, हमें कंट्रोल्स ने जो दी हैं, उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम पावर सिस्टम्स को मूव ऑन करें टूवर्ड्स दी स्मार्ट पैराडाइम। तो इसलिए जो है ये एक और जो इसमें डायमेंशन आ जाती है वो है कि स्मार्ट ग्रिड्स, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ के चांसेस हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो फर्मवेयर डिज़ाइन है जिसमें हम हार्डवेयर लूप की बात करते हैं, ऐसे में हमारी जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो हार्डवेयर डिज़ाइन जो है वो पाकिस्तान में अलबत्ता
उसका सॉफ्टवेयर ज़रूर तैयार होता है। तो लिहाजा स्मार्ट ग्रिड्स को अगर देखा जाए उस लिहाज से खासी जो है वो अपॉर्चुनिटीज है। मोरोवर जितने भी मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं विद इन पाकिस्तान या अराउंड द वर्ल्ड पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं मैसिव, और इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है रिक्वायर्ड होती है। वो भी हमारे पास जो है सी पैक में तकरीबन $35 बिलियन का जो है वो पावर का सेटअप है, जिसमें अल्टीमेटली हमारे पास एंड यूज़र जो है पावर का यूज़र है, लेकिन जो है उसमें सारी टेक्नोलॉजी जो है वो इंटीग्रेट हो रही है, जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है, नेटवर्क्स है, आईटी है, ऑल द टेक्नोलॉजीज आते हैं। सो टाइम मेरे ख्याल से शॉर्ट है, लिस्ट बहुत लंबी है, हम मजीद भी इस पर डिस्कस कर सकते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो इज वेलकम। थैंक यू सो मच राकेशन फॉर एक्सप्लेनिंग सो मच अबाउट पावर इंजीनियरिंग। कारवेन सर, मैं इसको थोड़ा सा जरा इस पर कमेंट करना चाह रहा था जॉब अपॉर्चुनिटीज पे। तो मैं समझता हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, दो सेक्टर्स में। अगर गवर्नमेंट सेक्टर देखें तो उसमें फिर ये हमारे पास जो पावर सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, या डिफेंस साइड पे जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं उस साइड पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की काफ़ी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर हम प्राइवेट सेक्टर देखें तो प्राइवेट सेक्टर में फिर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, केमिकल, प्रोसेस इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ऑटोमेशन है, उसमें ऑटोमेशन इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स जो हैं उनकी ज़रूरत होती है। इसी तरह से आजकल अगर आप देखें कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये है, एम्बेडेड सिस्टम्स का एरिया है, तो वहाँ पे भी हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए अभी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो निकल रही हैं। तो काफ़ी डाइवर्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल, मैं आपने बड़े बेहतरीन तरीके से बताया, बिल्कुल ये ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ IoT और माइक्रो कंट्रोलर आरा के बाद से जब से चेंज हो आर्डिनो और रसबेरी पाई आना शुरू है, क्योंकि ऑटोमेशन के लिए डिवाइसेज हैं, उसके बाद से कंप्यूटर इंजीनियरिंग अंडर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अम्ब्रेला बहुत ज़्यादा इसका स्कोप आना शुरू हुआ, खासतौर पर हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर इनको कहा जाता है, जो कि इसको डिज़ाइन करते हैं हार्डवेयर, दे ऑल्सो हैव द नोहो ऑफ द सॉफ्टवेयर, और इस हिसाब से वो डिज़ाइन करते हैं हार्डवेयर को कि वो बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइजेशन के साथ रन कर सके किसी भी किस्म के हार्डवेयर पे। तो इस वजह से ये आजकल ये जॉब बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रही हैं हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर्स की। और इसी तरह आपने जैसे कि सुना होगा आर्म प्रोसेसर्स जो कि चाइना बेस्ड इंट्रोड्यूस कर रहा है इनकेस रिटेलिएशन टू US, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूमिंग पर आ रही है, खासतौर पर हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर, जिसके अंदर आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब हम क्वेश्चंस देंगे कुछ जो कि ऑडियंस कर रही है, और साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस खुद भी करते रहेंगे ताकि हम आपको एक्सप्लेन कर सकें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आपने अभी जो हमें देखें आप में से ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने इसको ऑप्ट करना है कि आप, क्योंकि अभी आपने FSC कम्प्लीट कर रहे हैं और आपने अभी एज अ कैरियर आपने इसको चूज करना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हों इससे रिलेटेड कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब या क्राइटेरिया या लाइफ एट फास्ट, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा, हम इसके बारे में भी आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि लाइफ एट फास्ट। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस की तरफ जाता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन तला अजीम का है, डिड फास्ट ऑल्सो ऑफर स्पेशलाइजेशन इन टेलीकॉम? बिल्कुल जी, मैं इसको बताना चाहूँगा, जैसा हमने पहले बताया कि फास्ट 4 स्ट्रीम्स ऑफर करती है, जिसके अंदर टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। बिल्कुल जी, ये टेली कम्युनिकेशन का ऑफर होता है। अच्छा, इसके बाद SN चौधरी का सवाल, इसके बाद सैयद अली हसनैन काजमी का सवाल है, व्हाट अबाउट द फी इंक्रीमेंट? ये मैं लेना चाहूँगा डॉक्टर आफ्ताब मारूफ से, इसके बारे में पूछना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आप बताना चाहें व्हाट अबाउट द फी इंक्रीमेंट। अच्छा, ऐसा है कि रवायतन ये रहा है 5-10% हर साल जो है वो फी बढ़ती रही है, चूंकि टू ओवरकम जो भी इन्फ्लेशन वगैरह है और जो डेवलपमेंट की बात है। पहली बात तो ये जहन में रखें कि फास्ट में जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं उनकी जाति को पर्सनल स्टेक किसी की नहीं है, ये सिर्फ अदारे के लिए होता है।
तो हम साल में दो दफा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मिलता है, एक दफा जनवरी में, एक दफा जून में। तो जनवरी में जब पिछली दफा ये जनवरी 20 में जब मीटिंग हुई थी और अगले साल की प्लानिंग हुई, तो उस वक्त कोई फी जो है वो इंक्रीज प्रपोज हुई, जो कि आपने देखा होगा कि हमारी वेबसाइट पे भी लिखी रही है, पता नहीं अब भी होगी, और उसमें इंक्रीज थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये जो कोरोना आया है उसकी वजह से पूरे मुल्क की माशी हालत जो है वो दिगरगूं हुई है। तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो मुख्तलिफ लोग हैं उन्होंने खुद भी इस चीज़ को नोट किया, हम लोगों ने भी जो कैंपसेस रन करते हैं हमने भी उनको तवज्जो दिलाई कि जो माशरे में जो माशी एक्टिविटी है वो बड़ी इस वक्त जो है कमज़ोर हो गई है, लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, लोगों की सेहतों का मसला है, माशरे में टेंशन है। तो दिस इज नॉट गुड टाइम टू एक्चुअली मेक सम इंक्रीज। तो दे हैव टेकन अप दिस बिटवीन देमसेल्व्स और वो दे हैव जनरली एग्रीड कि इस साल जो है वो कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा और जो पिछले साल वाली फी है उसी पर हम चलेंगे। इसकी जो बाकायदा अनाउंसमेंट है वो एक दो दिनों में आप देखेंगे हमारी वेबसाइट पे आ जाएगी। तो वो जो है वो इस साल खास तौर पे अभी जब साल शुरू हो रहा है ये है, और हम शायद फिर मिडल ऑफ द ईयर दोबारा जायजा लेंगे, लेकिन इट इज हैज बिन डिसाइडेड इन रिस्पॉन्स टू द जो COVID-19 की जो सिचुएशन है और जो पूरे माशरे में जो वबा फैली हुई है जिससे पूरा माशरा नफसियाती तौर पर भी और मुआश भी, लोगों का रोजगार भी और जो महंगाई है ये सब चीजें मुतासर हुई हैं। तो ये जहन में रखे कि फास जो है वो कोई एलियन अदारा नहीं है, ये पाकिस्तानियों का है और उन बनाने वालों ने इस नीयत से बनाया था कि हम अपनी कौम की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन आप खिदमत करते हैं विद डिग्निटी। हम वो ऐसा नहीं है कि हम लोगों से पैसे मांग मांग के गुजारा करें। हम इसमें ये जरूर करते हैं कि जो लोग दाखिल होते हैं अगर उनकी फैमिली माशी तौर पर कमजोर है, बच्चे मेरिट पे दाखिल होते हैं, तो हम उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस का बंदोबस्त फास फाउंडेशन करता है जो कि कर्ज हसना की शक्ल में होता है। जब बच्चे ग्रेजुएटेड होके ऑन जॉब होते हैं तो उस वक्त वो पैसे किस्तों में आहिस्ता आहिस्ता वापस करते हैं। यानी जो मौजूदा अभी जून है, जो मौजूदा करंट आप कह लें जो फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, जो जुलाई 2019 से लेकर अभी जून 2020 तक जो चला है, इसके अंदर फास्ट फाउंडेशन ने 4.5 करोड़ रुपया इस फाइनेंशियल असिस्टेंस की मद में लोगों को फी में मदद की है और शायद इससे भी थोड़ी ज्यादा ही है। तो अभी अगले साल में भी ये बजट है और इसको बढ़ाया गया है। तो अब देखेंगे इंशाल्लाह जो दाखले होंगे, दाखले तो मेरिट पे होंगे, कोई कोटा नहीं है, कोई सीट नहीं है किसी की फिक्स, प्रेसिडेंट की या किसी की या हम में से किसी की, सबको उसी मेरिट पे आना है। और उसके बाद दूसरा इसमें ये है कि अभी जो लोग अप्लाई करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस की एप्लीकेशन भी वो अभी देंगे, साथ ही देंगे, वहां पड़ी हुई है, तो हम उसका जायजा लेकर ये डिसीजन करके आपको दाखले के वक्त बता देंगे कि आपका जो फी है उसका आया 1/4, 1/3 या 1/5 हिस्सा या आधा हिस्सा क्या है, कितना पोर्शन है जो कि फास्ट अपने जिम्मे लेने के लिए तैयार है, बाकी बोझ जो है वो आपकी फैमिली को उठाना होगा। तो ये डिसीजन हम कोशिश करेंगे कि दाखले के वक्त ही आपको कन्वे कर दिए जाए इंशाल्लाह। शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर आफ्ताब फॉर एक्सप्लेनिंग। बिल्कुल जी, ये फास एक नॉन प्रॉफिट अदारा है और एडमिशन इस पर मेरिट पर होता है, इसी वजह से किसी का कोई स्टेक नहीं है इसके अंदर, एवरीवन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल और कंट्रीब्यूट करता है फास्ट के अंदर। इसी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑन मेरिट सेलेक्ट किया जाता है और इसी वजह से उनकी ट्रेनिंग और उनको तैयार भी इसी तरह किया जाता है कि वो फ्यूचर लीडर्स बन सकें आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द फास्ट, नॉट ओनली इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बट अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं डॉक्टर गुफरान खान से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, खास तौर पे एडमिशन शेड्यूल और क्राइटेरिया के बारे में, जो कि मियां अहमद का सवाल है। जी, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, अभी 30 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशंस सबमिट हो सकती हैं। उसके अलावा ये जो
क्राइटेरिया है उसमें 60% वेट होना चाहिए आपके मार्क्स इन योर एचएसएससी या जिसको हम एफएससी प्री इंजीनियरिंग कहते हैं, उसमें 60% फॉर द, जी सर मैट्रिक में भी, जी 60% जी मैट्रिक में भी और एफएससी में भी 60% होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है फॉर एप्लीकेशन। और उसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया ये है कि आपका मैट्रिक और एफएससी का जो दोनों का मिला के 50% वेटेज ईच जो है वो यूज़ करेंगे मेरिट बनाने के लिए। इस दफ़ा अभी टेस्ट जो है वो नहीं हम ले रहे हैं, उसमें अगर आगे कोई डायरेक्शंस मिलती हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से कि टेस्ट लेना लाजमी है तो मे भी हमें टेस्ट लेना पड़े इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए सिर्फ, लेकिन अभी तक जो है इस पे हम, हमारा डिसीजन यही है कि हम टेस्ट इस दफ़ा नहीं ले रहे हैं। जी थैंक यू सो मच। अगर इसके बारे में फर्दर क्लैरिटी चाहिए तो आप क्वेश्चन अगेन कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आगे आमिर जग का सवाल है कि डू यू ऑफर एमएस मैनेजमेंट साइंस वीकेंड और एमबीए 1.5 ईयर वीकेंड। जी बिल्कुल, ये आप आगे सेशंस और भी आ रहे हैं फास्ट के, जिसके अंदर पहले कंप्यूटर साइंस का हुआ, आज हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो रहा है और इन फ्यूचर आगे मैनेजमेंट साइंसेज का भी होगा। आप पेज पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आज जो सेशन है ये हमारा, थोड़ा सा इसका जवाब दे देता हूँ। जी जी, हम कोई वीकेंड प्रोग्राम ऑफर नहीं करते मास्टर्स का किसी डिपार्टमेंट का, ये रेगुलर प्रोग्राम है। अलबत्ता ये हम करते हैं कि हफ्ते के अंदर चाहे तो हम उनको बजाय के 5 दिन के 2-3 दिनों में उसको कंसंट्रेट कर लें विद द क्लास के साथ कोऑर्डिनेशन करके, लेकिन हम कोई वीकेंड प्रोग्राम जैसा कि बाज यूनिवर्सिटीज करती रहे वो हम ऑफर नहीं करते किसी तरह का ग्रेजुएट। और बाय द वे HEC ने अनाउंस किया को इन पे पाबंदी लगा रही है जो वीकेंड प्रोग्राम है, तो जहां भी आप जाएं बी केयरफुल। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर आफ्ताब, इसी चीज को मैं और आगे बढ़ाते हुए ये बताऊंगा कि बिल्कुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो मास्टर्स प्रोग्राम है, हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मास्टर्स के, हम उनसे उनकी राय लें और उसके मुताबिक उनकी क्लासेस को वीक, नॉट ओवर द 5 डेज ऑफ द वीक, बल्कि अगर वो चाहते हैं 1 or 2 डेज के अंदर उनकी क्लासेस को अरेंज किया जाए जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकें। सो आपको ये नहीं होगा कि आप रोजाना अपनी जॉब छोड़ें और आएं और विजिट करें फास्ट कैंपस को, यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी या हम बिल्कुल अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं इस बारे में। और इस बारे में अगर मैं चाहूँगा डॉक्टर शेव खालिद कुछ बताना चाहें मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि ग्रेजुएट रिसर्च कमेटी के हेड भी हैं, और अगर कुछ बताना चाहें व्हाट अबाउट द रिसर्च गोइंग ऑन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जी एक्चुअली मास्टर्स में जो है नॉर्मली 8 courses जो है वो थ्योरी के होते हैं, जिसके अंदर जो है वो 24 credit hours जो है वो, और 6 credit hours जो है वो रिसर्च के होते हैं। तो हम लोग जो है वो नॉर्मली हर कोर्स के अंदर कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है वो रिसर्च कंटेंट जो है वो रखें, और एट द टाइम जब जो है वो स्टूडेंट जो है वो 3rd semester में आता है उस टाइम जो है वो प्रपोजल जो है वो अपनी डिफेंड करता है, जिसके अंदर जो है वो हमारी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट जो है वो इंडस्ट्रियल पार्टनर के साथ जो है अपनी थीसिस को जो है वो एंडोर्स करे। और उसका फ़ायदा ये है कि मार्केट बेस्ड जो है वो प्रोजेक्ट वो स्टूडेंट करने के काबिल हो जाते हैं और उनको फिर जॉब करने में आसानी होती है। प्लस ये है कि स्टूडेंट को डिफरेंट किस्म की वर्कशॉप्स, डिफरेंट किस्म के सेमिनार्स, डिफरेंट किस्म की रिसर्च ट्रेनिंग्स जो है उनके लिए उनको ऑन कैंपस करवाई भी जाती हैं और उन्हें मोटिवेट भी किया जाता है ताकि वो जो है वो डिफरेंट कैंपसेस में जो कि हमारे पास के अवेलेबल हैं या बाकी इदारे वहाँ पे अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है या सेमिनार हो रहा है तो उनको जो है वो ज्वाइन करें और अपने आप को एक्सपर्ट करें इस मामले में कि वो डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, लार्जेस्ट फोरम के ऊपर जो है अपने आप को इम्प्लीमेंट करें, अपने आप को मनवाएं। तो इसमें कुछ स्टूडेंट जो हैं वो बहुत अच्छा जो है इसमें कोशिश करते हैं और इसमें पेपर्स तक जो है रिसर्च पेपर्स तक जाते हैं और इसमें जो है इवन कई एक जो है वो जर्नल पेपर्स तक भी जो है वो जाते हैं और एक PhD के लिए अब्रॉड या पाकिस्तान में जो है वो कोशिश करते हैं। तो लिहाजा एक फुल जो है वो उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉन्टेंट रखा गया है, डिफरेंट किस्म की स्ट्रीम्स जो हैं उसके अंदर हैं, जिसके अंदर जो है डिफरेंट रिसर्च एरियाज हैं, डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स हैं, जिस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी एंड माइक्रोग्रिड्स का एक रिसर्च ग्रुप है,
इसके अलावा जो है मशीन लर्निंग का जो है वो एक रिसर्च ग्रुप है, ऑटोमेशन कंट्रोल एंड ऑटोमेशन का एक रिसर्च ग्रुप है, सिग्नल एंड सिस्टम्स का जो है वो एक रिसर्च ग्रुप है। तो डिफरेंट जो है वो रिसर्च ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं और स्टूडेंट उसमें जो है वो काम कर रहे हैं। जी थैंक यू सो मच रवि सेब अबाउट एक्सप्लेनिंग अबाउट आवर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अच्छा अब मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा। अताउर रहमान पूछ रहे हैं कि सर इन्फॉर्म अस अबाउट फी इंक्रीमेंट इन दिस लाइफ इट। बिल्कुल जी, अभी आपको ये जवाब दिया है डॉक्टर आफ्ताब मारूफ ने और आप इसको आई थिंक ये वीडियो रिकॉर्डेड होगी एंड वी विल मेक इट श्योर कि ये पेज पे शेयर हो, आप इसको दोबारा इस सुन सकते हैं इस जवाब को जो डॉक्टर आफ्ताब मारूफ ने फी इंक्रीमेंट के मुतालिक बताया है। अच्छा अगला क्वेश्चन लेते हैं शेख उस्मान आमिर का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर अगर सितंबर में क्लासेस ना हो सकी तो ऑनलाइन होगी क्या न्यू स्टूडेंट्स की क्लासेस? जी जी, हमारी कोशिश तो ये है कि हम इसको फेस टू फेस करें स्टार्ट, बाकी ये कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो हम डेफिनेटली ये 1 सितंबर से हम फेस टू फेस क्लासेस करना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ये हमारी क्लासेस का जिस तरह गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी हम उस तरह करेंगे, बिकॉज ये मैं बल्कि लास्ट ट्वीट भी सुन रहा था डॉक्टर आफ्ताब मारूफ की अकॉर्डिंग टू हिम के हम जैसे SOPs हमें गवर्नमेंट कहेगी हम उसी को फॉलो करेंगे, हम ये नहीं चाहते कि आप लोग की जिंदगी मुतासर हो। बिल्कुल जिस तरह हम चाहेंगे कि बिल्कुल अगर ओपन भी होती हैं तो सारे SOPs को फॉलो करते हुए हम डिपार्टमेंट पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर उसको फॉलो करेंगे ताकि आपके लिए एक सेफ और अच्छा एनवायरनमेंट और मुयसर आ सके। जी बिल्कुल, आगे क्वेश्चन लेते हैं हम उमेर अतर का। सर इन्फॉर्म अस अबाउट द पर क्रेडिट आवर फी। ये एक्चुअली ये फीस का जो 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 करंटली जो साल जा रहा है इसमें गालिबन जो कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है उनकी 8,000 रुपये पर क्रेडिट आवर फी है, और जहाँ तक अब जुबानी मैं आई एम नॉट श्योर, मेरा ख्याल है कि या तो इतनी या शायद 7,500 या 8,000 समथिंग इतनी है जो कि फी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पर क्रेडिट आवर। टोटल जो आपकी डिग्री है उसके 136 क्रेडिट आवर हैं कि डॉक्टर गुफरान इतने ही है ना जी? जी सर 136। हाँ तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तकरीबन जो है मौजूदा जो रेट है इस पर ये समझें पे कि ये तकरीबन 10-10.25 लाख रुपया 4 सालों का बनता है। अलबत्ता आप अगर उसको चाहिए ये कि हर साल उसमें कोई 8-10% इंक्रीमेंट करते जाएं तो 4 साल की डिग्री जो है वो मेरा ख्याल को 11 लाख या 12 के दरमियान समथिंग ये आपको पड़ेगी जो है वो 4 सालों का जो अखराजात है। वैसे तो आपस की बात है कि 12 लाख बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन एक जो 12-15 साल पुरानी करोला गाड़ी है ना वो भी इतने की नहीं आती। आप अंदाजा लगा लें कि ये खर्चा नहीं है, ये एक नौजवान जो सिंपल FSC पास है उसकी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट है। जब वो आता है तो वो एक 12 जमात पढ़ा हुआ नौजवान बड़ा प्रॉमिसिंग खूबसूरत और लाइवली विद लाइफ होता है, लेकिन जब वो यहाँ से 4 साल बाद जाता है वो एक प्रोफेशनल इंजीनियर में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है जो प्रोफेशनली भी बड़ा फिट है, नॉलेजेबल है, स्किल सेट है, और हम कोशिश करते हैं कि उनको मॉरली और इखलाकी तौर पर भी वो प्रायोरिटीज उनको सिखाएं इनकलकेट करें कि वो माशरे का एक अच्छा शहरी बन सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो ये खर्चा नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है मुश्किल होता है लोगों के लिए जिसके लिए कि फास्ट जो है फाउंडेशन वो हेल्प करता है लोगों की, लेकिन ये है इसको खर्चे की बजाय इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देना जाए। और ये देखें कि जब अगर आप ऑन जॉब होते हैं तो कौन सा कारोबार है जो कि आप 15-10-12 लाख रुपया लगाएं और सारी उम्र के लिए आपको 50,000 से 2 लाख की तनख्वाह देता रहे हर महीने? कोई नहीं ऐसा। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट लें और इन्वेस्ट करें। हमारे जो नौजवान हैं हमने ये देखा है दुनिया में जाकर वो किसी भी कौम से कम नहीं है,
वो ज़हीन हैं और एम्बिशियस हैं, वो दुनिया में हर मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का हल कर सकते हैं, सिर्फ शर्त ये है कि वो फोकस्ड हों, अपने मकसद में क्लियर हों और उनकी तवज्जो नहीं बटे, वो इधर उधर की जो फजूल डिस्ट्रैक्शन जिंदगी में आती हैं उनसे बचें, अपने मकसद पे फोकस रहें, तो इंशाल्लाह सब दुनिया से आगे निकल सकते हैं। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आगे क्वेश्चन रहता है समीर जहूर का, इट इज इररिलेवेंट क्वेश्चन बट दिस लाइव ट्रांसमिशन रिगार्डिंग एडमिशन अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ EEG। बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सेशन है जिसके अंदर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ऑप्ट कर सकते हैं सीनियर फैसलाबाद कैंपस ऑफ द फास्ट, जिसके अंदर आपके पास बैचलर्स प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि एक्रीडेटेड है PEC से, और हमारा जो करिकुलम है वो HEC और PEC दोनों से वेरीफाइड और अप्रूव्ड है, और इसके अलावा आप मास्टर्स प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। और इस साल हम मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर ना सिर्फ थीसिस मास्टर बाय थीसिस ऑफर कर रहे हैं बल्कि मास्टर बाय कोर्स वर्क भी ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। फजली खान का क्वेश्चन है, इन माय ओपिनियन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन आर न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा खासतौर पर डॉक्टर गुफरान से जिनका रिसर्च एरिया मशीन लर्निंग का है, कि अगर वो इसमें बताना चाहें इमर्जिंग एज एन इमर्जिंग एरिया अबाउट मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन। जी बिल्कुल जी, ये हमने इस चीज को हम देख रहे हैं, हमने BS में भी मशीन लर्निंग का कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया है, और MS में ऑलरेडी हम कर रहे हैं मशीन लर्निंग, और डीप लर्निंग का कोर्स भी इस साल हम ऑफर करेंगे। सो वी नो दैट देयर इज अ स्कोप एंड एप्लीकेशंस इन दिस एरिया, और स्पेशली ये कंप्यूटर विजन जिसको पहले इमेज प्रोसेसिंग का एरिया कहा जाता था, अब वो कंप्यूटर विजन के नाम से ज़्यादा नोन है। तो कंप्यूटर विजन विद डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग जो है वो काफ़ी एप्लीकेशंस और इस एरिया में रिसर्च हो रही है। तो इवन BS लेवल पे भी हम इस कोर्स को ऑफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं, वो ये कोर्स ले सकते हैं। और इसी तरह से रिलेटेड ही है एक IoT का एरिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एरिया, वो कोर्स भी हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस दफ़ा भी ऑफर किया है। वो जो एम्बेडेड सिस्टम पढ़ने के बाद जब IoT का कोर्स पढ़ते हैं तो वो काफ़ी अच्छा एक हैंड्स ऑन उनका एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर गुफरान फॉर एक्सप्लेनिंग दिस इमर्जिंग एरिया। इसके बाद जी क्वेश्चन लेते हैं उमेर साहब का है, डियर डॉक्टर आफ्ताब मारूफ, ड्यू रिस्पेक्ट, नेशन वांट्स टू नो योर स्टैंस ऑफ सस्पेंशन ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स इन फास्ट फॉर पोस्टिंग हार्मलेस नेम्स, वी ऑल लव एंड रिस्पेक्ट यू, प्लीज डू आंसर। जी डॉक्टर आफ्ताब, अगर आप इसमें जो पहली बात है वो ये है, ये लाहौर कैंपस का इंटरनल डिसिप्लिनरी इशू है, उस पर तो मैं बिल्कुल भी कॉमेंट नहीं करूँगा। मैं जनरल बात कर सकता हूं जो कि मेरे इल्म में है, कि हम चाहते ये हैं कि फास्ट एक पाकिस्तान का अदारा है, हमारा जो मुआशरा है इसमें जो पॉजिटिव नॉर्म्स हैं, जो माशरती जो इखलाकी जो कदरें हैं, हम उनको अपहोल्ड करने वाले लोग हैं। हम खुद भी कोशिश करते हैं कि उन पर अमल करें, और हम प्रोपोगेट करते हैं कि हमारे स्टूडेंट भी उसमें सेंसिटिव हों, उसको जो है वो जो है ना ख्याल करें। और रही बात के वो हार्मलेस माइंड्स हैं, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, यहाँ जो यूनिवर्सिटी में बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते हैं और जो लोग यहाँ मुलाजिम हैं, हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स हैं, उसमें ख्वातीन भी हैं, मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी हैं, वो सब हमारे लिए, मेरे लिए वो सब मेरे बेटे और बेटियों की तरह हैं। हम उनकी रिस्पेक्ट खुद भी करते हैं, उनकी इज्जत एहतराम हमारे लिए वाजिब है, हमने सबको सिखाया है इज्जत करो और इज्जत कराओ। जहां तक वो हार्मलेस माइंड की बात है कि आप फीमेल फैकल्टी मेंबर्स की तस्वीरें लेकर XXX रेटेड आप कंकॉक्टेड कंटेंट डेवलप करें जो कि आप फिर उसको सोशल मीडिया पे दें, तो ये सादा सी हार्मलेस नहीं। या आप देखें कि अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली के साथ ये हो तो ये क्या हो, तो ये इतना भी हार्मलेस नहीं है, तो हमारा उस पर कोई तबसरा नहीं है। वो स्टूडेंट्स जाने और जो लाहौर कैंपस की डिसिप्लिनरी कमेटी है वो जाने, मुझे ये मालूम है कि उन्होंने 15 दिन दिया है टाइम इनको अपील करने का, इनको चाहिए कि बजाय सोशल मीडिया पे बात करने के बेहतर ये है कि वो अपनी अपील प्रोसेस जो है उसको अवेयर करें। शुक्रिया जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर आफ्ताब फॉर एक्सप्लेनिंग दिस इशू।
अच्छा, अब मैं इसी बारे में बात करते हुए फर्दर क्वेश्चन से पहले मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर आदिल से अबाउट कंट्रोल सिस्टम्स। डॉक्टर असलाम भी इसी फील्ड से रिलेटेड है, बट आई विल आस्क डॉक्टर आदिल से कि कंट्रोल सिस्टम इज काइंड ऑफ एरिया जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है और पावर में भी आता है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूंगा, डॉक्टर असलाम से, डॉक्टर आदिल से। कंट्रोल सिस्टम आप जॉब्स वगैरह में भी देखें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो आता है कि कंट्रोल सिस्टम इज वन ऑफ द एरिया जिसको जॉब्स में भी कई दफा मेंशन किया जाता है, और कंट्रोल सिस्टम का तो आगाज उसी वक्त हो गया था जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई थी, क्योंकि एवरीथिंग यू नो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। तो अगर आप इसके बारे में फर्दर एक्सप्लेन करना चाहें डॉक्टर आदिल एंड देन डॉक्टर असलाम। जी वकार साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं जरा बात करना चाहता हूँ कि देर आर टू काइंड ऑफ कंट्रोल। फर्स्ट वन इज थ्रेटिकल कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज एप्लीकेबल कंट्रोल। अब थ्रेटिकल कंट्रोल में ये होता है कि आपने किसी भी सिस्टम को थ्रू मैथमेटिकल इक्वेजन्स या मैथमेटिकल थ्योरी आपने सिस्टम को एनालाइज करना होता है बिफोर एक्चुअली अप्लाइंग ऑन हार्डवेयर। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये है कि आपने किस तरह कोई भी सिस्टम को मैन्युअली या ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना होता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक अगर तो आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है देन यू आर गुड इन मैथमेटिकल कंट्रोल थ्योरी, जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं PID कंट्रोल हैं, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटर एंड डेरिवेटिव, ये इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 90% PIDs यूज हो रहे हैं। अब इसमें जो PI है और I और D है, ये किस तरह किसी भी सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इसके पीछे एक थ्योरी है, उसको आपने मैथमेटिकल किस तरह सॉल्व करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, इसको आप कहते हैं मैथमेटिकल या थ्रेटिकल कंट्रोल। अब इसकी बेसिकली इंडस्ट्री में या इसकी रिसर्च साइड पे ज़्यादा इसकी जॉब्स हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा आता है या आपको फिर कंट्रोल सिस्टम या स्टेट स्पेस या ट्रांसफर फंक्शन हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, वो अगर आपको अप्लाई करना आते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं इसमें। फिर उसके बाद इसमें आता है कि आपने उसको अप्लाई कैसे करना है, आइदर आप किसी भी प्रोग्रामिंग के थ्रू आप उसको अप्लाई कर लें कंट्रोल को। तो पाकिस्तान में इसकी आपने देखा होगा जितने भी प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं या जितनी भी ये पेप्सी हो गया, गोरमे हो गया, जितनी भी उसमें ये कंट्रोल पार्ट्स होते हैं, उसमें दूसरे किस्म के कंट्रोल होते हैं कि इसमें मैथमेटिकल कंट्रोल नहीं होता कि बैक एंड पे क्या मैथमेटिक्स चल रही है, उसमें एप्लीकेशन साइड पे कंट्रोल होता है। तो एक तो ये पर्सपेक्टिव है, दूसरा असलान साहब इसका बताएंगे कि एप्लीकेशन साइड पे ऑटोमेशन में और कंट्रोल में क्या कितनी इसकी जॉब वैल्यूज हैं पाकिस्तान में या इसको अब्रॉड के लिहाज से। थैंक यू डॉक्टर आदिल साहब, आपने बहुत अच्छा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। इसकी जॉब्स कहाँ कहाँ है, इसकी जॉब्स आजकल हर तरफ ऑटोमेशन का दौर है, मतलब मैनुअल एक प्रोसेस है जिसमें आपको एक ह्यूमन इंसान चाहिए, और कंट्रोल सिस्टम क्या करता है कि ये ऑटोमेशन कर देता है, यानी उस इंसान को ये रिप्लेस कर देगा सेंसर्स और एक्चुएटर्स के थ्रू। तो इवन टेक्सटाइल में भी, NTU में मैंने 1.5 साल पढ़ाया, वहाँ पे भी अब ट्रेंड क्या है, वहाँ ऑटोमेट कर रहे हैं, जो पुरानी मशीन्स आ रही हैं उनको PLCs के, जो न्यू मशीन्स आ रही हैं वो तो आ ही PLCs बेस्ड रही हैं, और पुरानी मशीन को भी वो ऑटोमेशन को लेके जा रहे हैं, और ऑटोमेशन के थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी भी पॉसिबल है कि आपके प्रोसेस में अगर इनएफिशिएंसीज हैं, ह्यूमन एलिमेंट्स आती हैं, तो ऑटोमेशन की वजह से वो ह्यूमन एलिमेंट्स रिमूव हो जाते हैं। ये एक ड्रॉबैक भी कहा जाता है कि ऑटोमेशन का ये नुकसान भी है, कैसे जॉब्स का कहते हैं कि कम हो रही है, लेकिन इनफैक्ट इससे कम नहीं हो रही, इससे बढ़ ही रही है ऑटोमेशन। फिर इसमें जो एरियाज आते हैं ऑटोमेशन की वजह से, इसमें PLCs आती हैं, DCS सिस्टम आता है, स्काडा सिस्टम आता है जो कि प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऑयल एंड गैस में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है 7 ईयर्स का पाकिस्तान पेट्रोलियम में, वहाँ DCS का सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है किसी भी प्रोसेस प्लांट के लिए, ये मस्ट हैं, PLCs मस्ट हैं। तो इनकी जॉब्स भी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, आप देखें कि हर आपको इवन पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान के बाहर UAE के अंदर, गल्फ के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, मेरे बहुत सारे जो है कोलीग्स PPL के, वो यहाँ इन मुख्तलिफ जगहों पर जॉब्स कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर जॉब्स है। फिर इसके अलावा इसमें एम्बेडेड सिस्टम्स आ जाते हैं, फिर रोबोटिक्स आ जाती है, रोबोटिक्स की तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि अब आगे है इंडस्ट्री 4.0, यानी फोर्थ रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल ईरा आ रहा है, फिर इंडस्ट्री 5.0 की तरफ भी हम जा रहे हैं, उसमें AI आ रही है, इंटेलिजेंट कंट्रोल आ रहा है, फजी लॉजिक बेस्ड कंट्रोल है, न्यूरल नेटवर्क कंट्रोल है, ह्यूमन इंटेलिजेंट जैसे इंसान है वैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बना दिए गए हैं जो इंसानों की तरह उनमें उनके वेट्स एडजस्ट होते हैं फीडबैक कंट्रोल के थ्रू। तो होम ऑटोमेशन के ऊपर बहुत सारे काम है, इवन जो पावर के अंदर भी जो जितनी रिन्यूएबल है उसमें क्या है, उसमें इंटेलिजेंट कंट्रोल की तरफ
जो है वो हर चीज़ जा रही है, कि उसका कंट्रोल सिस्टम पार्ट एंड पार्सल है। यानी ऐसी चीज़, इवन आपकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजीज है, यानी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपने इंसान लेस सिस्टम, आप कह लें ह्यूमन लेस सिस्टम कह लें, ऑटोमेटेड सिस्टम कह लें, तो वहाँ पे अगेन आपको ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट है। तो जॉब्स, इसकी जॉब्स मेंटेनेंस में इसकी बहुत सारी जॉब्स आपको मिलेंगी, आपको डिज़ाइन की कंपनी में इसकी बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी, आपको ऑपरेशन के अंदर, प्लांट ऑपरेशन के अंदर इनकी जॉब्स मिलेंगी, प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग डिपार्टमेंट में इसकी आपको जॉब्स मिलेंगी, सेल्स के अंदर आपको इसकी जॉब्स मिलेंगी। सो देर आर न्यूमरस जॉब्स अवेलेबल इन द ऑटोमेशन एंड कंट्रोल साइड, एंड यू नीड टू हैव दी स्किल्स बिकॉज दीज आर दी मोस्टली डिमांडेड स्किल्स इन दिस एरा ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर एक्सप्लेनिंग, एंड डॉक्टर आदि फॉर एक्सप्लेनिंग कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें आप जानते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हों या आप इलेक्ट्रिकल पावर में हों, कंप्यूटर सिस्टम, यू हैव टू गो फॉर द कंट्रोल सिस्टम, ये मेजर हमेशा आपको करना पड़ता है, एंड यू कैन ऑफ दिस एज योर फ्यूचर कैरियर एज वेल। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन लूंगा सैफ अली का अबाउट द एडमिशंस, है कि इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट रिसीव्ड देयर ए लेवल रिजल्ट येट, हाउ विल द स्टूडेंट बी एलिजिबल, ए लेवल रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड इन अगस्त 2020 बट द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 30th जुलाई, प्लीज कंफर्म। शुड आई, इसमें ये है कि उनको जो उनका ओ लेवल का रिजल्ट है उसकी बेस पर अप्लाई करना है, और साथ ये सबूत देना है कि उन्होंने ए लेवल के जो है वो एग्जाम सारे दिए हुए हैं, ताकि जब सेमेस्टर शुरू हो और जब रिजल्ट आए तो हमें ये पता चल सके कि उन्होंने कंप्लीट कर लिया है ए लेवल। और जो सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है जैसे मैथ वगैरह की है और प्री इंजीनियरिंग की, वो भी उससे पता चल जाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस, बिल्कुल जी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट अभी। आईबीसीसी की इक्विवेलेंस जो है वो चाहिए होती है, वो उनको ओ लेवल की जो भी उनके पास अभी सर्टिफिकेट है उसकी इक्विवेलेंस ले लें आईबीसीसी की, उसकी भी, और अगर AS1 है जो फर्स्ट ईयर होता है ए लेवल का उसकी भी। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, आगे फसी खान का है, आई थिंक कमेंट है 5/6G विल बी फुली ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी। जी बिल्कुल, ये टेलीकम्युनिकेशन के अंदर 5G और अब 6G पे भी काम हो रहा है, डिप्लॉयमेंट पे, 6G तो अभी टेस्ट फेसेस के अंदर है और 5G कई जगह डिप्लॉय भी हो रहा है। बिल्कुल जी, ये दीज आर द करंट टेक्नोलॉजीज, और इस पे आप इसके बारे में मैं चाहूंगा कि अगर डॉक्टर गुफरान कुछ बताना चाहें अबाउट द टेलीकम्युनिकेशन जो कि हम ऑफर करते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। जी अच्छा, अभी जो टेलीकम्युनिकेशन का एरिया है ये बहुत ज़्यादा इसमें सॉफ्टवेयर या क्लाउड ये जो है वो यूज़ हो रहा है, तो हमारी जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्ट्रीम है या IoT का एरिया जो है वो इसको टेलीकम्युनिकेशन को जो का जो एरिया उसको काफ़ी हद तक कवर कर लेता है। तो इसमें ओवरलैपिंग कोर्सेज हैं जो टेलीकॉम वाले भी पढ़ते हैं, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले या कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग जो है वो भी पढ़ते हैं, तो हम इस तरह के कोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल ऑफर करते हैं। कर्सब, आपका माइक शायद कर्सब। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर उफरान। अब मैं क्वेश्चन लूंगा उमेर अली खान का, कि सर आई एम फ्रॉम डेरा गाजी खान और पास फैसाबाद कैंपस का कोई हॉस्टल है और आई वांट टू बिकम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सर लोन का मेथड बता सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने दो क्वेश्चंस किए हैं। जी, इस साल ये है कि हॉस्टल फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास कैंपस में हॉस्टल है जिसमें कि ऑलरेडी 600 के करीब स्टूडेंट्स रह रहे थे, उनमें से तकरीबन 150-100 जो है वो ग्रेजुएट कर जाएंगे। अब गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस के मुताबिक हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो पहला हक उनका है जो ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं, तो हम मुश्किल से उनको अकोमोडेट कर पाएंगे। हमारे पास नए ऐसे स्टूडेंट्स लेने की ऑन कैंपस या स्पेस नहीं होगी जिनको हम हॉस्टल दें, अलबत्ता शहर के अंदर हॉस्टल्स हैं, हम आपको उनके एड्रेसेस वगैरह दे देंगे, क्योंकि बसें चलती हैं हमारी, तो आप उन बसों पे कैंपस आ सकते हैं और जा सकते हैं, और वो कन्वीनियंटली लोकेटेड किसी हॉस्टल में आप रहने का बंदोबस्त कर सकते हैं। जो ऑन कैंपस हमारा हॉस्टल है वो बड़ा अच्छा है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, सब कुछ है,
लेकिन उसमें जगह नहीं है। जी थैंक यू सो मच एक्सप्लेन करने का। इनका दूसरा क्वेश्चन था लोन का। जी दूसरा पार्ट जो है वो मैं बता देता हूँ कि हॉस्टल में भी ये है कि हो सकता है स्टार्ट में अवेलेबल ना हो और आफ्टर वन ईयर कोई स्पेस निकल आए, तो इनको सिटी में जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स को इजीली मिल जाता है हॉस्टल, तो वहाँ पे ये हम इनकी जो है हेल्प कर सकते हैं हॉस्टल फाइंड करने में। जब ये वबा की सिचुएशन ओवरकम हो जाती है और नॉर्मल हो जाता है तो फिर ऑन कैंपस जगह मिल जाएगी। क्योंकि जो हमारा जो हॉस्टल है उसकी नॉर्मल कैपेसिटी 600 स्टूडेंट्स की है, तो अभी जो है हमें उसको रिड्यूस करके 400 पे लाना पड़ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, तो इसलिए स्पेस नहीं है। जब वो रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाती हैं तो फिर जगह निकल आएगी, अभी फिलहाल नहीं। जी दूसरा ये फाइनेंशियल एड का जो लोन का वो पूछ रहे हैं, वो हमारा जो अगर वेबसाइट पे आप जाएं तो वहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस वाला एक पेज है, वहाँ पे लोन की कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है, तो जो यूज़र नेम पासवर्ड आपने पहले अप्लाई करने के लिए यूज़ किया है वही वहाँ पे यूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल थैंक यू सो मच। बल्कि ये भी मैं बताना चाहूंगा, जो आप हॉस्टल लेंगे इन सिटी या जिस भी एरिया के अंदर, वी हैव द बसेस जो कि पूरे, जैसे कि पहले बताया कि हमारा पूरा फ्लीट है बसेस का जो कि आपको पिक भी करेगा ड्रॉप भी करेगा रोजाना, तो यू विल हैव नो इशू ऑफ कम्यूटिंग, आपको बिल्कुल भी ये मसला नहीं होगा, आपको बिल्कुल टाइम पर बसेस लेकर आएंगी और टाइम पर लेकर जाएंगी। सो आपको अगर आप रहते भी हैं किसी भी लोकेशन पे रहते हैं, आवर बसेस यूनिवर्सिटी बसेस विल पिक यू अप एंड ड्रॉप यू एज वेल। अच्छा इसके अलावा मैम स्पेसिफिकली आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया कैंपस लाइफ के बारे में, बिकॉज वी आर अ कैंपस और आपको पता है कि कैंपस लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये सोचा कि चलें आप लोगों को खुद ही बता देते हैं कि कैंपस लाइफ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है IEEE, आप में से शायद किसी ने सुना, IEEE एग्जिस्ट करती है हमारे यहाँ, बड़ी एक्टिवली यहाँ ऑपरेट करती है, बल्कि यहाँ इस टाइम भी इस लाइव सेशन के अंदर दो बहुत सीनियर मेंबर्स बैठे हैं IEEE के, डॉक्टर अफ्ताब मारूफ और डॉक्टर गुफरान, और डॉक्टर गुफरान हेड भी हैं IEEE सब सेक्शन फैसलाबाद के। तो हेड होने का मतलब ये है कि द मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज बड़ी एक्टिवली ही इज पार्टिसिपेटिंग और इसके अलावा कर भी रहे हैं। सो हमारी ना सिर्फ जो कैंपस की एक्टिविटीज हैं ना सिर्फ वो हो रही हैं, कई हमारी इसके बारे में चाहूंगा कि सर बताएं, और हमारी जो कम्युनिटीज हैं जो कि या हमारे स्टूडेंट्स के जो क्लब्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास IEEE का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर बहुत सारे क्लब्स हैं जो कि काम करते हैं, अगर आप इसके बारे में बताना चाहें डॉक्टर आफ्ताब और फिर डॉक्टर गुफा। जी ऐसा है जी कि जो हमारे यहाँ जो कह लें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं जो कि क्लासरूम टीचिंग है और लैब्स है, उसके लिए तो हमने बताया कि बड़ा वसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, करीबन 30 के करीब क्लासरूम्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 14-15 लैब्स हैं, इसके अलावा कंप्यूटिंग की लैब 8-10 हैं, और लैंग्वेज लर्निंग की लैब है जिसमें आपको इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज प्रोनंसिएशन वगैरह उनको बेहतर किया जाता है, इस तरह की और भी फैसिलिटीज हैं। वो सारा कुछ तो जो आपकी लर्निंग है टेक्निकल और सब्जेक्ट वाइज आपके वो है, लेकिन इसके अलावा जो जिंदगी है उसमें तो आप लोगों से मिलना जुलना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं, अदब अदाब सीखते हैं, जीतना सीखते हैं, हारना सीखते हैं, खुश होना सेलिब्रेट करना सीखते हैं। ये सारे काम जो है ये सिखाने के लिए हमारे यहाँ एक स्टूडेंट अफेयर्स का डिपार्टमेंट है जिसके अंदर के बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, मसलन हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स हैं हर तरह की उसकी तकरीबन 10-12 क्लब्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, फुटसॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, आप यू नेम इट, इवन के स्नूकर भी है, चेस भी है, वो सारी होती उनके रेगुलरली पूरे टूर्नामेंट होते रहते हैं जिसमें लोग जीतते भी हैं लोग हारते भी हैं, बाहर से भी टीमें आती हैं, उनके फिक्स्चर होते रहते हैं, एक बाकायदा फुल टाइम स्पोर्ट्स ऑफिसर ट्रेंड है जो कि इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। इसके अलावा जो जनरल जो सलाहते हैं आपके आर्टिस्टिक, उनके लिए मसलन आपके यहाँ जो है वो डिबेटिंग क्लब है, आपके पास लिटरेरी सोसाइटी है, आपके पास रंग सोसाइटी है जो ड्राइंग और इस तरह की चीजें जो है वो क्रिएटिव किस्म की चीजें वो कराते हैं, इसी तरह से एक बज़्म इकबाल है
जो कि अदबी सरगर्मियाँ जो हैं उनको चलाते हैं। इसी तरह से जो आपके टेक्निकल जो एरियाज हैं, जैसे कि IEEE का जिक्र किया है, वो ख़ास तौर पे वो जो टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स हैं उनको अरेंज करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर साइंस की साइट पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जो है वो बाकायदा एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको के ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये इंटर डिपार्टमेंटल भी होती हैं, मिक्स होकर भी होती है, लोग इधर उधर भी हिस्सा लेते हैं। इसी तरह से हमारा जो बिजनेस डिपार्टमेंट है वो बिजनेस कॉम्पिटिशन और इस तरह की चीज़ें भी करवाते हैं, जिसमें के हार्वर्ड के सिमुलेशन है, और इवन लाइव जो आपकी ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर बिडिंग होती है, बहुत कुछ होता है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं आपको पर्सनैलिटी को वेल राउंडेड बनाने के लिए, ये पूरा एक कह लें कि एक स्पेक्ट्रम एक्टिविटीज है। और इसके अलावा जो छोटी छोटी जो रेगुलरली एक्टिविटीज कंपटीशन दूसरी यूनिवर्सिटीज के ग्रुप्स टीमें विजिट करती हैं, उसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जो कि हमारा सालाना इवेंट है, तो उसको हम दायरा कहते हैं। तो दायरा जो है उसमें तकरीबन 4 से 5 दर्जन के करीब मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, सोशल भी हैं और हर तरह के टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब तरह के कंपटीशन हैं। उसमें रोड शो होता है जिसमें कारें हैं, मोटरसाइकिलें हैं, इवन बहुत कुछ उसमें होता है। अगर आप देखें तो हमारी वेबसाइट पे आपको उसकी पुराने जो सेशंस उनकी वीडियोस मिल जाएंगी देखने की, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। कैंपस बजाते खुद बहुत खूबसूरत जगह है, हम उसके अंदर प्लांटेशन और फूल और बिल्कुल एक चमन की तरह है, अगर आप देखें ना तो आप ऐसे महसूस करते हैं कि गार्डन में आप घूम रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो आप जो है जिससे आपकी एस्थेटिक्स की ट्रेनिंग होती है, आपका जमालियती जौक बेहतर होता है, और सबसे अहम बात वो ये है कि हम नज़र रखते हैं, और अगर कोई ऐसी बात हो जिसमें कोई इखलाकी तौर पर मायूब बात, हम चेक करते हैं, बच्चों को समझाते हैं। क्योंकि जो नहीं अनिल मुनकर का जो है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, उसकी स्पिरिट यही है कि ये इस्लामी तहजीब और माशरे का हिस्सा है कि हम बुरे कामों से एक दूसरे को रोकते हैं हिकमत के साथ, सरेआम किसी को खुदा न खास्ता नहीं कहना, बुला के प्यार से समझा के बेटे ये बात मुनासिब नहीं है, और जो अच्छे काम है उनकी हम तरगीब देते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास एक ऑडिटोरियम है तकरीबन 450 स्टूडेंट्स का, उसमें हमारे पास इंडस्ट्री से और मुख्तलिफ जो एमिनेंट लोग हैं वो आकर लेक्चर्स देते हैं, खासतौर पर इंडस्ट्री के जो CEO लेवल के लोग हैं उनको हम इन्वाइट करते हैं, वो आए वो स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करें और बातें करें, स्टूडेंट्स से बताएं क्या क्या इम्कानात हैं, जो बच्चों के जहनों में इश्काल है, जो तजस्स है, जो सवालात हैं उनके वो जवाब देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इंटरफेस का काम करें स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री के दरमियान। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी डेवलप करने में हम मदद करते हैं, और इसको बाकायदा ऑर्गेनाइज करके प्लान करके करते हैं। जी शुक्रिया। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर गुफरान, अगर आप IEEE के बारे में बताना चाहें एक्टिविटी। बड़ा डिटेल में काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर कर ली हैं। IEEE का मैं बताऊंगा कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इट स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। सो ये दुनिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है, और ये तकरीबन 100 साल पहले बनी थी, और अभी तो तकरीबन दुनिया के 150 मुल्कों में इसकी जो है वो ब्रांचेज हैं। तो हमने भी फैसलाबाद कैंपस में जो है वो ब्रांच इसकी बनाई हुई है। फैसलाबाद के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमारे कैंपस से ही ज़्यादातर मैनेज हो रही होती हैं। तो इसमें ये है कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सोशल नेटवर्किंग होती है, उनकी कॉम्पिटिशन वगैरह, टेक्निकल कॉम्पिटिशन, और इसके अलावा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बड़ी एक जो है वो अच्छा एक स्टूडेंट के लिए लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो भी सीखते हैं। तो आई थिंक ये सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं इनको जो है हम इनक्रेज करते हैं कि ये ज्वाइन करें। इसके अलावा बाकी जो ऑडिटोरियम का बताया डॉक्टर साहब ने, ऑडिटोरियम है, प्ले ग्राउंड हैं, लाइब्रेरी का सिस्टम हमारा बड़ा अच्छा एक सेटअप है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। 16 के करीब हमारे पास लैब्स हैं, जो मैंने स्टार्ट में बताया था, अभी एक वीडियो भी है लैब्स की, वो भी एंड पे जो है वो मैं अभी दिखा दूँगा, जिसमें हम हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा उसमें आपको जो है वो नज़र आएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम बात की इन्होंने बाकायदा कैंपस लाइफ के बारे में मैंने आपको बताया, क्या
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बाद तो बकायदा ऑप्शन है कि अगर आप डिपार्टमेंट से अपने इवेंट्स नहीं अप्रूव करा सकते तो आई ट्रिपल ई के अंडर आप अपने इवेंट्स कर सकते हैं. सो दे आर सो मच अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू हैव यू नो योर लाइफ योर इवेंट. आपके बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं इस कैंपस के अंदर के आप अपनी लाइफ को और लर्निंग के साथ स्पेसिफिकली काम के वक्त सिर्फ काम और जब आपने एंजॉय करना है तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय इन द कैंपस. अच्छा इसके अलावा मैं बस जस्ट इन द लास्ट आई विल रैप इट अप. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट से कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप इसको हम पेज पे क्वेश्चंस कर सकते हैं या इसके अलावा admissions.cfd@nu.edu.tk ये अभी आपको डिस्प्ले भी हो जाएगा. कैंपस से मुतालिक कोई भी क्वेश्चंस आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मुतालिक किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो आप हमें बता सकते हैं. वी आर हेयर टू आंसर. मैं सिर्फ हमारे आज के सेशन का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग चूंकि अभी FSC कर रहे हैं या कुछ कर चुके हैं जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं आपको एक तो ये मालूम हो कि वी आर अ कैंपस लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ फैसलाबाद एंड चिन्योट और आपको ये भी अंदाजा हो कि यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है इस वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट जो कि एक्रीडेटेड बाई द PEC है जो कि लेवल 2 के ऊपर. जैसे कि आपको पता है वाशिंगटन अकॉर्ड PEC आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज को सिर्फ दिया है पाकिस्तान के अंदर लेवल 2. वी आर वन ऑफ द कैंपसेस जिनको लेवल 2 एक्रीडेशन मिली है जिसकी वजह से दूसरी चीज क्या हुई कि आपको ये अंदाजा होगा कि जब आप एडमिशन लेंगे हमारे डिपार्टमेंट के अंदर तो आप एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट के एडमिशन ले रहे हैं क्योंकि दिस इज एक्रीडेशन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे नहीं आती. इट एनकंपासेस होल थिंग कि आपकी फैकल्टी कैसी है आपकी लैब्स कैसी हैं. सिर्फ लैब नहीं इसके अलावा स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म करें इट्स नॉट जस्ट के फीडबैक सिस्टम. तो इसका क्या मतलब है कि आप अगर ऑप्ट करते हैं फैसलाबाद के अंदर पढ़ने के लिए स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप एक बेहतरीन जगह पे स्टडी करेंगे. और इसके अलावा हमने आज आपको ये भी बताने की कोशिश की कि आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है. यू विल बिकम एन ऑलराउंडर. आप ना सिर्फ कंप्यूटर फील्ड के अंदर जा सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर जा सकते हैं आप पावर फील्ड के अंदर जा सकते हैं. तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगी कि यू कैन चूज एनीवेयर यू वांट. आप दूसरे साल के अंदर ही हम ये कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को ये अंदाजा हो जाए कि उसका एप्टीट्यूड किस तरफ है इधर ही वांट्स टू गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर. और अगर आप देखेंगे आजकल फील्ड्स इतनी इतनी डिसिप्लिनरी हो गई हैं कि इलेक्ट्रिकल जैसा कि अभी डॉक्टर शुएब बता रहे थे कि स्मार्ट ग्रिड का कंसेप्ट ही है कि आप एम्बेड कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम्स को इन द लाइक पावर फील्ड. सो आप एक बिकमिंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपके पास ऑप्शन है. तो आज हमने तीन चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि अगर आप बेस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर आना चाह रहे हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो आपके पास फ्यूचर एज अ कैरियर सेलेक्ट करने के लिए बेहतरीन इंस्टीट्यूट है और बेहतरीन डिपार्टमेंट है करने के लिए. और इसके अलावा मैं थोड़ा सा वो हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज जो हैं आप खुद काफी उस पे काम करते हैं. जी बिल्कुल हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपने जो नॉलेज गेन किया उसको और बेहतरीन तरीके से हासिल कर सके इसको और इम्प्रूव कर सकें इसको और मतलब एडवांस कर सकें सो यू कैन अपॉर्चुनिटीज के आप यहाँ हमारे जो डिपार्टमेंट से आप एजुकेशन हासिल करके हम स्टूडेंट्स की बकायदा ट्रेनिंग की तरफ तवज्जो देते हैं जो कि फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है और एट द एंड हम उनको जॉब के लिए तैयार करते हैं. एक छोटी सी वजाहत करना जरूरी है नए नौजवानों के लिए. वो आमतौर पर क्वेश्चन होता है कि लोग इस चीज में कन्फ्यूज होते हैं कि फास्ट यूनिवर्सिटी है या नेशनल यूनिवर्सिटी है ये जो लिखा हुआ है सामने. इसमें सिर्फ ये समझने की जरूरत कि फास्ट जो है वो तो एक फाउंडेशन है. वो 1980 में बनाया था कुछ बुजुर्गों ने इस चक्कर में कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता रशिया साइड से हमला अफगानिस्तान पे हम पर ना वो आ जाए हम कैसे मुकाबला करेंगे. उन्होंने कहा जी कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे तो हम बेहतर मुकाबला कर सकते हैं. तो उन बुजुर्गों ने जो बुजुर्ग ऑलमोस्ट सारे रिटायर्ड लोग थे उन्होंने पूरी सोच समझ के ये एक फाउंडेशन कायम किया कि हम इसके तहत ये करेंगे. तो फास्ट फाउंडेशन ने फिर जो है वो पहला अपना अदारा जो है इंस्टीट्यूट दे ऑप्टेड कि हम एजुकेशन सेक्टर में जाएंगे. वो 1985 में वो पहला इंस्टीट्यूट जो है वो कराची में बना फिर 80 में बना 90 में बना लाहौर में और 97 में इस्लामाबाद में बना. तो इस दौरान हमने अप्लाई किया तो फेडरल गवर्नमेंट से हमें यूनिवर्सिटी का चार्टर मिला. ऑलरेडी 3 हमारे इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करते थे और ये 2001 जुलाई सन 2000 से जो है वो बाकायदा चार्टर है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और इस यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल नाम है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर
एंड इमर्जिंग साइंसेज है और ये इसका ऑफिशियल नाम है। फास्ट जो है वो फाउंडेशन का नाम है जो कि इसको ओन करता है और रन करता है। तो उर्फ़े आम में लोग इसको फास्ट यूनिवर्सिटी कह लेते हैं, लेकिन अगर आप जाएं फर्ज किया HEC की वेबसाइट पे, वहां आपको फास्ट यूनिवर्सिटी कोई नहीं मिलेगी, वहां आपको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज इस्लामाबाद के नाम से मिलेगा, चूंकि मदर सीट जो है वो वहां पर है, इस्लामाबाद का चार्टर है। तो लेकिन इस फेडरल चार्टर का फायदा ये है कि हम जहाँ चाहें पूरे पाकिस्तान में हम समझें कि मुनासिब है और ज़रूरत है और मुयस्सर है, हम कहीं भी कैंपस बनाने का हमें इख्तियार है। तो उसी के तहत ये पांचवा कैंपस जो है ये यहाँ जिनेवा फैसलाबाद में बनाने। शुक्रिया जी। बिल्कुल, अब मैं एंडिंग रिमार्क्स फिनिश करना चाहेंगे। आपने आपने काफ़ी क्वेश्चन पूछा, हमने कोशिश की जितने भी हम आंसर्स कर सकें, लेकिन ऑब्वियसली आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे, लेकिन हम इनको ज़रूर आंसर करेंगे आफ्टर द सेशन। अच्छा, मैं अब चाहूँगा कि आप आपस में कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें तो प्लीज़। जी डॉक्टर गुफरान प्लीज। जी बिल्कुल जी, तो आप लोगों को बिल्कुल जो है वो कोई भी किसी किस्म की क्यूरी हो यू कैन अप्रोच अस। हमने अपने ईमेल एड्रेसेस आपको दिए हैं, फ़ोन नंबर जो हैं, फ़ोन लाइंस भी हमारी ऑपरेटिंग हैं, वहाँ से भी आप कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो दूसरा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का अक्सर क्वेश्चन आता है, वो मैं अगेन बता दूं कि वो ऑनलाइन ही फॉर्म पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप जाके वहीं से फिल करेंगे और अभी करेंगे साथ ही एप्लीकेशन, वो नीड बेस्ड जो असिस्टेंस लेना चाह रहे हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू, इफ़ यू हैव स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस सो यू कैन ऑलवेज अप्रोच अस। जी थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि आप एट द एंड अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कर सकते हैं। देन मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये आप हमारा पैगाम ज़रूर पहुँचाएं अपने जो आप देख रहे हैं, अपने जो एडमिशन लेना चाहते हैं, जो नहीं ये सेशन सुन सके, काइंडली उनको ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं। और आप इसको कुछ क्वेश्चंस वगैरह रह गए हैं तो कई आंसर हो चुके हैं, आप इस वीडियो को रिपीट भी करके देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ दे आर वर्किंग वेरी गुड, बट वी आर वर्किंग वेरी बेटर। आप देख सकते हैं, आपको अभी भी जो नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हम ये मिक्सचर हैं फ्रॉम यंग एंड ओल्ड फैकल्टी, इट्स नॉट जस्ट यू नो काइंड ऑफ के बहुत है ओल्ड, तो आपको बिल्कुल एक इम्तिजाज मिलेगा कि यंग फैकल्टी और ओल्ड फैकल्टी सारे आपको अपने एक्सपीरियंस देंगी जो कि उन्होंने जिंदगी में हासिल किया। तो यू हैव अ वेरी यू नो काइंड ऑफ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, क्योंकि ये 4 years जो है ये इम्पैक्ट डालेंगे आपकी होल लाइफ के ऊपर। तो आपके पास अब ये टाइम है कि आप इसको चूज करें कि कौन सी बेहतरीन ऑप्शन है। आप हर एक को सुने, आप विजिट करें कैंपस को, आप आ सकते हैं हमारे कैंपस के अंदर, बिल्कुल हम आप आ सकते हैं और हम बिल्कुल SOP को फॉलो करते हुए आपको कैंपस विजिट करवा सकते हैं। आप हमारी लैब जरूर विजिट करें, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं आपको अंदाजा नहीं होगा, और जब आप लैब्स देखेंगे एंड यू विल फाइंड इट के ये फैसलाबाद के अंदर ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर इतनी ज्यादा लैब्स हैं। तो आई विल से कि आप विजिट करें, देन यू विल डिसाइड के क्या है। और फिर मैंने आपको बताया कि हम आपके ये पूरे पंजाब के उस एरिया के अंदर बैठे हैं जहाँ सबसे ज्यादा नौजवान है। फैसलाबाद इज वन ऑफ द सिटीज जहाँ के आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, एंड वी आर आवर कैंपस इज देयर कि आप घर में एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। फ्रॉम चन्योट इट्स एक्सेसिबल, फ्रॉम सरगोधा या इस तरह की जो सिटीज हैं बिल्कुल हम उससे पास लोकेटेड हैं। और फिर आपको बताया कि एक्रीडेटेड हैं और वी आर यू नो एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द अप टू द मार्क। तो प्लीज अगर आप में से कुछ कहना चाहते हैं कोई गेस्ट में से तो प्लीज आप, अदरवाइज वी विल फिनिश अप दिस सेशन। मैं एक वीडियो है लैब्स की वो मैं रन कर लूं, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप कर लेंगे। जी जी, ये अभी वीडियो एक चलेगी, प्लीज उसको आप जरूर देखिएगा जो कि लैब्स के बारे में थोड़ा सा बताएगी।